तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स में मेंटेनेंस फ्लूइड कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मेंटेनेंस फ्लूइड देना क्यों है ना। तो अगर कोई बच्चा हम फीडिंग नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए हमको बहुत बार मेंटेनेंस फ्लूइड देना पड़ता है, क्योंकि उसके वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसको कैलोरीज की भी रिक्वायरमेंट होती है। छोटे बच्चों में जैसे कैलोरीज स्टोर नहीं रहते, बड़ों में जैसे 3 दिन 4 दिन अगर उन्होंने कुछ खाना नहीं भी खाया तो भी उनके शरीर का ग्लूकोज कम नहीं होता। छोटे बच्चों में अगर वो फीडिंग ना ले तो उनके शरीर में वो व्यवस्था नहीं होती कि शरीर का स्टोर ग्लूकोज यूटिलाइज करके ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करे, तो इसलिए उनको कंटिन्यूसली ग्लूकोज का सप्लाई होना ज़रूरी है, इसलिए हम मेंटेनेंस फ्लूइड देते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन दिए हैं ये सबके लिए फिक्स है क्या? नहीं, ये एक अंदाज से कैलकुलेट किया हुआ है। अगर दो बच्चों का वजन सेम भी है तो भी उनकी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट अलग अलग रह सकती है। जैसे किसी बच्चे को अगर डायरिया हो रहा है ना, तो उसको फ्लूइड ज़्यादा लगेगा। अगर किसी बच्चे का वोमिटिंग है ना, किसी को स्किन अच्छी नहीं है, स्किन के ऊपर बहुत सारे बर्न हुआ है, तो उसका फ्लूइड का रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका अच्छा है ना। तो इसके लिए हमको बच्चे का वज़न पता होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अडल्ट को 100 से लगा दिया तो छोटे बच्चे को 50 से लगा लिया, हम वज़न के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और ये इसको हम मेंटेनेंस फ्लूइड हेल्दी चिल्ड्रन में बोलेंगे। जैसे कोई पेशेंट अगर ऑपरेशन के लिए NBM करके रखा है या फिर जस्ट अभी आया है और हम चाहते हैं कि वो अभी NBM रहे, तो उसके लिए ये फ्लूइड कैलकुलेशन बराबर है। हर डिसीज़ में फ्लूइड रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आइडिया के लिए ये फ्लूइड हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया है जिसको कहते हैं हॉलीडे एंड सेगार फार्मूला, है ना। तो ये इन्होंने ये इसको ईजाद किया था। तो बच्चे के वज़न के हिसाब से उसको कितना मेंटेनेंस फ्लूइड देना है इसके लिए हम आज देखेंगे। तो पहले 10 kg के लिए, है ना, पहले 10 kg के लिए हमको देना है 100 ml पर kg पर डे। मतलब एक दिन में हमको 100 ml पर kg देना है पहले 10 किलो के लिए। मतलब 1 किलो से लेकर पहले 3 किलो तक के तो हम न्यूबॉर्न के लिए फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं, तो वो फ्लूइड कैलकुलेशन अलग है, वो अलग क्लास में हम सीखेंगे। लेकिन 3 किलो से लेकर 10 किलो तक के, है ना, 3 kg to 10 kg हम देखेंगे कि 100 ml पर kg पर डे है। तो उसके लिए अगर समझो कोई बच्चा 5 किलो का है तो उसके लिए फ्लूइड आएगा 500 ml पर डे, है ना। तो एक बच्चा अगर 7 किलो का है तो कितना आएगा, 700 ml पर डे। अभी ये 700 ml पर डे है लेकिन हमको फ्लूइड लगाना है, ड्रिप से लगाना है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो अगर हम इसको 24 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, कितना आएगा, लगभग 20 ml, 20 ml पर आर। मतलब हर घंटे में उसको 20 ml देना है। ये 20 कैसे आया समझा? तो दिन में हमको 5 किलो के हिसाब से बच्चे को 100 ml पर kg के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 500 ml आएगा। 500 ml को हमको हर घंटे में कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने उसको 24 से डिवाइड किया। क्यों 24 से डिवाइड किया? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना। तो हमको पता चला कि हर घंटे में बच्चे को 20 ml के करीब फ्लूइड देना है। तो ये कैसे करेंगे सेट 20 ml पर आर? अगर इन्फ्यूजन पंप है, सिरिंज पंप है, तो आप इन्फ्यूजन पंप से आप 20 ml पर kg से लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास इन्फ्यूजन पंप नहीं है तो, या फिर कभी सीटी स्कैन MRI में गए जहाँ पे इन्फ्यूजन पंप आपके काम नहीं करता, तो आपको ड्रॉप के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 ml मतलब कितने माइक्रो ड्रॉप्स होते हैं, 60 माइक्रो ड्रॉप्स। और कितने मेगा ड्रॉप्स होते हैं, 15 से 20, है ना। हम कैलकुलेशन के लिए 20 समझेंगे, ठीक है। तो ये माइक्रो ड्रिप अलग आती है, उसके माइक्रो ड्रिप के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और
ये जो अपनी नॉर्मल ड्रिप होती है, आईवी ड्रिप सेट होता है, उससे आप 20 ड्रॉप्स अगर देंगे तो वो 1 ml के करीब जाएगा। अब ये 20 ml पर केजी तो कैलकुलेट हमने कर लिया, अब माइक्रो ड्रॉप में कैसे कन्वर्ट करने का, इसको सिंपल तरीका है, जितना ml पर आर आया उतने माइक्रो ड्रॉप पर मिनट आएगा, है ना। तो 20 ml पर आर इज इक्वल टू 20 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, है ना। अब ये कैसे कैलकुलेट करने, कैसे आएगा ये, जैसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 20 ml पर आर, अब 20 ml है और 1 ml में कितने ड्रॉप है, 60, तो हम इसको 20 को मल्टीप्लाइड कर देंगे 60 से, है ना, तो इतने माइक्रो ड्रॉप हो जाएंगे। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो अगर हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60-60 कैंसिल हो जाएगा, समझा। तो जितना ml पर आर आया उतने माइक्रो ड्रॉप पर मिनट से अगर आपने ड्रिप सेट कर ली तो उतना उसका बराबर से फ्लूइड रेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब मेगा ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करना है, उसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 20 / 3 अराउंड 6 ड्रॉप, ठीक है, ये मेगा ड्रॉप पर मिनट आएगा, ये समझा, 6 to 7 ड्रॉप, है ना, 6 to 7 ड्रॉप अगर हम देते हैं एक मिनट में मेगा ड्रॉप, तो बच्चे को मेंटेनेंस फ्लूइड कितना जाएगा, 20 ml पर kg, ये समझा। क्यों, क्योंकि 20, ये हमने देखा था कि 60 माइक्रो ड्रॉप से जा रहे हैं और हम देखेंगे कि 20 ड्रॉप ही देने पे 1 ml चला जाता है, 23 / 60, तो हमको सिर्फ इसको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, समझा। तो अगर हम किसी को 20 ml पर kg पर 20 ml पर आर से अगर फ्लूइड दे रहे हैं तो उसके लिए हमको 20 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट देना पड़ेगा, ड्रिप एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर 7 ड्रॉप्स पर मिनट देना पड़ेगा, समझे, ये आर्बिट्री रहता है। लेकिन आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैंने एक्सपेक्टेड है कि समझो 20 ml पर मिनट से पर आर से जाना चाहिए, तो 2 घंटे में कितना फ्लूइड कम हुआ है, 5 घंटे में कितना फ्लूइड कम हुआ है, वो देखना है, क्योंकि ड्रिप आपको बीच बीच में सेट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने ड्रिप कर सेट कर दी और छोड़ दिया और कुछ देर में पता चला कि पूरा फ्लूइड ही कुछ घंटों में चला गया, है ना, तो बीच बीच में आपको इसको क्रॉस चेक भी करना है और माइक्रो ड्रॉप भी कैलकुलेट करना है, ये समझा, पूछने के लिए, है ना। तो ये हो गया पहले 3 से लेके 10 kg तक के, ठीक है। अभी 10 से 20 kg के बीच में, अभी हम अगर देखें कि बच्चे का वजन अगर 10 किलो से ऊपर है, तो पहले 10 किलो के लिए हमने देखा है ये अराउंड आएगा 10 × 100 = 1000। तो पहले 10 kg के लिए तो एक दिन में हमको 1 liter फ्लूइड देना है, 1000 ml देना है, है ना। तो अगर समझो बच्चे का वजन 10 से 20 के बीच में है तो जाहिर है उसकी उसकी उसका रिक्वायरमेंट 1000 से ऊपर ही रहेगा। तो अगर समझो हम इसके लिए कैलकुलेट करते, इसका वजन है 15 kg, ठीक, तो 10 के ऊपर जितने भी kg है उसके लिए हमको देना है 50 ml पर kg, उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो अगर ये 15 kg का बच्चा है तो उसको 10 kg के लिए 1000 ml हो गया, उसमें हमको ऐड करना है ऊपर के बचे हुए किलो के लिए 50 ml पर kg, तो यहाँ पे 5 kg एक्स्ट्रा है, है ना, 15 किलो होने के कारण, तो 5 को हमको फिर से 50 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 250, तो ये 1000 को हम ऐड करेंगे 250 में और आपका फ्लूइड आएगा 1250 ml पर डे, समझे। अभी इसको ml पर आर से करना है तो कितने से डिवाइड करेंगे, 24 से, सो 24 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, उतना आ जाएगा ml पर आर, कितना आ रहा है, 52 ml पर आर। अभी ये 52 ml पर आर मतलब कितने माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, यस, ये हो जाएगा 52
माइक्रो ड्रॉप पर मिनट और कितने मेगा ड्रॉप आएंगे? सेवनटीन, समझा? इजी है। तो 10 किलो के ऊपर जितने भी केजी है उसके लिए हमको 50 ml पर केजी से देना है, ठीक है? 50 ml पर केजी, ये जितने भी 10 किलो के ऊपर है उतने उसके लिए, ठीक। अगर समझो बच्चे का वेट है अभी मोर देन 20 केजी हो गया समझो, तो 20 केजी के लिए फ्लूइड कितना आएगा? 1000 प्लस 500, 1500, तो उसके लिए आएगा 1500 ml पर डे। और अगर बच्चे का वेट समझो अभी 25 केजी है तो वेट के हिसाब से 1500 ml से ज़्यादा आना चाहिए फ्लूइड। तो इसमें हमने देखा है कि जितना भी 20 किलो के ऊपर के केजी है उसके लिए हम सिर्फ देंगे 20 ml पर केजी के हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 20 किलो के लिए दोगे 1500 और ऊपर के कितने केजी है? 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, हो गया 100, टोटल आएगा 1600 ml पर डे, ठीक है। अब ये पर आर कितना आएगा? 24 से डिवाइड कर दो, 66 ml पर आर, मतलब कितने माइक्रो ड्रॉप? 66 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, मतलब कितने मेगा ड्रॉप? 22 मेगा ड्रॉप पर मिनट। ये समझा? इसमें कोई कन्फ्यूजन है? ये सिर्फ हमने कैलकुलेट किया है कि उसको टोटल फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप बच्चे को आईवी दे रहे हैं तो ये कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी बच्चे का आपको जस्ट फीडिंग कैलकुलेट करना है, अगर किसी बच्चे को सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखना है, तो ये रफली आरटी फीडिंग का भी वॉल्यूम देता है, ठीक है। तो अगर कोई 10 किलो का बच्चा है और उसको आपको आरटी फीडिंग पे ही रखना है लिक्विड पे, तो भी आप उसका मेंटेनेंस फीड इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको दिन भर में 1 लीटर लिक्विड आप दे सकते हैं। अब वो क्या देना है बच्चे की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर आपको आरटी भी देना है मेंटेनेंस फ्लूइड, तो समझा? तो आरटी के लिए अलग नहीं है और आईवी के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए आप एक ही इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई बच्चा अगर 15 किलो का है और उसको आपको मेंटेनेंस फीड देना है तो उसको आपको देना पड़ेगा 1250 ml पर डे। अब वो 3 आरली देना होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, और अगर 2 आरली देना होगा तो 12 से डिवाइड करेंगे, उतना आपका पर्टिकुलर फीड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का वजन है 10 केजी और उसको फीड आ रहा है, आरटी फीडिंग का अमाउंट आ रहा है हमको 1000 ml, इस हिसाब से 100 ml पर केजी पर डे के हिसाब से। अब इसको समझो, आपको बताया है कि 3 आरली फीड देना है बच्चे को, तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 8 से, क्योंकि 24 आवर्स में से आप हर 3 घंटे में दे रहे हैं तो टोटल 8 फीड जाएंगे उसको। तो 1000 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया? 125 ml एवरी 3 आरली, ठीक है। वही अगर कोई कंसल्टेंट बोलता है कि 2 आरली फीडिंग दे दो तो कितने से डिवाइड करेंगे? 12 फीड, क्योंकि हर 2 घंटे में देंगे तो टोटल 12 फीड उसको जाएंगे। तो अगर हम 1000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 82-85 ml एवरी 2 आरली, समझा? तो आईवी फ्लूइड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी से आप आरटी फीडिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हॉलीडे एंड सेगार फॉर्मूला, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी है? स्टॉप करो। अगर ये जो मैंने समझाया वो समझने में अगर मुश्किल जा रही है ना, तो फॉर्मूले कहीं पे लिख के रख लो,
है ना, या फिर मोबाइल पे कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रख लो। फर्स्ट 10 kg मतलब 3 to 10 kg आएगा 100 ml पर kg पर डे, ठीक है। 10 to 20 kg के लिए आएगा वेट माइनस 10 इंटू 50 प्लस 1000, है ना, ये आएगा ml पर डे मेंटेनेंस फ्लूइड, है ना। 10 से 20 kg के बीच में का अगर बच्चे का वजन है तो, और अगर मोर देन 20 kg है तो ये आएगा वेट माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 1500, ये इतने आएगा ml पर डे। अब करके देखो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिया समझो 15 kg का बच्चा है तो उसका वेट आ गया 15 माइनस 10 इंटू 50 प्लस 1000। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 1000, 250 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1250, समझा। अगर नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या बोला तो बस ये फॉर्मूला रख लो, ठीक है, या फिर कहीं पे लिख के रख लो, आपके नर्सिंग स्टेशन पे कहीं पे, अपने मोबाइल के यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे ऐसे लिख के रख लो, ठीक है। मोर देन 20 kg कोई भी ले लो वेट, सपोज मैंने लिया 35 kg, 35 माइनस 20 इंटू 20 प्लस 1500, तो कितना आएगा ये 15 इंटू 20 प्लस 1500, 300 प्लस 1500 इज इक्वल टू 1800, समझा। ml पर डे, ये पर डे का हिसाब से, उस हिसाब से आप 24 आवर का है तो उस हिसाब से ml पर आवर से कैलकुलेट कर सकते, ये समझा। तो नहीं समझ रहा तो ये कैलकुलेट ये रट लो। इसमें हम मैक्सिमम 100 ml पर आवर के हिसाब से ही फ्लूइड देते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं देते। उससे ज़्यादा अगर देना है तो फिर आपको कंसल्टेंट से पहले पूछना पड़ेगा बच्चे का कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा।